हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये आपका 47th एक्ट है 1963 का, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि डैश ऑफ 1963, तो 47th एक्ट है 1963 का। इससे पहले हमने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था, वो भी 1963 का था, बट वो क्या था, 36th एक्ट था 1963 का। ठीक है, सेक्शन 27 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 30 तक आपकी रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेक्शन 27 के अंदर कब कब रिसेशन ग्रांट की जाएगी, कब कब रिसेशन मना की जाएगी, रिफ्यूज़ की जाएगी। ठीक है, आज हम इन कॉन्टिन्यूंस ऑफ सेक्शन 27 हम सेक्शन 28 को पढ़ेंगे। सेक्शन 28 बेसिकली क्या कहता है, देखिए सेक्शन 28 पहले हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप सबसे अपने बेयर एक्ट अपने साथ में रखिए, बिना बेयर एक्ट के समझ में नहीं आता। अगर बेयर एक्ट पढ़ना आ गया आपको तो बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं है बुक्स में से पढ़ने की, बेयर एक्ट में सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, देखिए सेक्शन 28 क्या कह रहे हैं। रिसेशन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बीन डिक्रीड। देखिए सेक्शन 28 पढ़ने से पहले आप एक बार सेक्शन 27 की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने समझाया था रिसेशन होता क्या है। बेसिकली सेक्शन 28 कुछ केसेस की बात करता है, ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की बात करता है जहाँ पे हम रिसाइन करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। किन की बात करता है, ये बात करता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या कॉन्ट्रैक्ट किया आपने लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का और उसके अंदर डिक्री आ चुकी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। डिक्री आनी जरूरी है तभी सेक्शन 28 अप्लाई होता है, बिना डिक्री के सेक्शन 28 अप्लाई नहीं होता। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की आप डिक्री ले चुके, कोर्ट ने आपके फेवर में डिक्री पास कर दी है, क्या उस दौरान भी आप रिसाइंड करवा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कितनी कमाल की बात है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री पास कर दी है कोर्ट ने, बट सेक्शन 28 आपको अब भी ऑप्शन देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करा सकते हैं। बट कुछ हालातों में, किन सर्कमस्टांसिस में हम रिजाइन करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, वो सेक्शन 28 बताता है कि डिग्री आने के बाद आप कब रिजाइन करा सकते हैं। इसके अंदर वो वाले कंडीशंस बताई गई हैं कि ये अगर ये कंडीशन है, ये हालात हैं, तो आप रिजाइन करवा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की आप डिग्री ले चुके हो। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 28 का सब सेक्शन 1 क्या कहते हैं। देखिए, वेयर इन एनी सूट, सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है, इन एनी सूट ए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन मेड। यहाँ तक समझिए, हैज़ बीन मेड तक। ये क्या कह रहा है, जहाँ कहीं भी एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया और उस सूट के अंदर डिक्री आ चुकी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की उस कॉन्ट्रैक्ट की, जो आपका सेल या लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता था। ठीक है, हैज़ बीन मेड, डिक्री पास हो चुकी है। अब देखिए, एंड द परचेजर और लेसी डज नॉट विद इन द पीरियड अलाउड बाय द डिक्री और सच फर्दर पीरियड एज द कोर्ट मे अलाउ। एक बार यहाँ तक समझते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि परचेजर और लेसी समझना जरूरी है कौन होएगा यहाँ पे। देखिए, ए बी, ये लैंड, ये ए की ज़मीन है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इस ज़मीन को सेल करने के लिए या लीज़ करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 5 लाख रुपये में अपनी ये वाली ज़मीन आपको दे दूंगा। अब क्या हुआ, बी ने तो मना कर दिया, बी कहता कि मैं तो लेता नहीं। कोर्ट ने क्या, ए ने क्या किया, ए कोर्ट में चला गया, ए ने बी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, सेल का या लीज़ का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब देखिए ए की ज़मीन थी, ठीक है, ए कौन है, बेचने वाला, विक्रेता है ना ये आपका, और ये कौन है, ये बी आपका है परचेजर, खरीदने वाला। ठीक है, और लेसी, ठीक है, यहाँ पे परचेजर और लेसी की बात हुई है ना, बी आपका परचेजर है या लेसी है। ठीक है, और ये आपका वेंडर है, वेंडर मतलब बेचने वाला या लेसर, जो अपनी ज़मीन देता है किसी को, पट्टे पे ज़मीन देते हैं। ठीक है, अब ए ने क्या किया, ए कोर्ट में चला गया इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ए के फेवर में डिक्री पास कर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की,
कि ठीक है जी, आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, आपके फेवर में हम डिक्री पास करते हैं, आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा लीजिए। ठीक है, अब बात आती है, कोर्ट ने एक टाइम पीरियड दे दिया, डिक्री के अंदर लिख दिया कि बी को भैया तू 6 महीने के अंदर इसके पैसे दे दे और ये वाली ज़मीन ले ले। ठीक है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया, जो अमाउंट था 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये जमा करा दे, ए को दे दे और ये वाली ज़मीन ले ले, और 6 महीने के अंदर एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया। ठीक है, बट परचेजर या हम इसे लेसी बोलेंगे, ये डिफ़ॉल्ट करता है, ये पे नहीं कर पाता उस टाइम पीरियड के अंदर, तब आपका राइट बनता है, ए का राइट बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करा सकता है। देखिए आगे बेरेक देखते हैं, बेरेक में लिखा हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ आपको समझाना था, परचेजर कौन है हमारा, बी है, बी को लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, एंड द परचेजर और लेसी डज नॉट विद इन द पीरियड अलाउड बाय द डिक्री और सच फर्दर पीरियड एज द कोर्ट मे अलाउ पे द परचेज मनी और अदर सम विच द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड हिम टू पे, द वेंडर और लेसर मे अप्लाई इन द सेम सूट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इन द सेम सूट, कोई सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा, इन विच द डिक्री इज मेड टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंडेड एंड ऑन सच अप्लीकेशन द कोर्ट मे बाई ऑर्डर रिजाइंड द कॉन्ट्रैक्ट ईदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट और ऑल टूगेदर एज द जस्टिस ऑफ द केस मे रिक्वायर। देखिए क्या कह रहा है, एक सूट इंस्टीट्यूट किया गया, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, इन्हें एक सूट इंस्टीट्यूट किया उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का था हमारा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोर्ट ने डिक्री पास कर दी ए के फेवर में और बी को कह दिया, जो हमारा परचेजर था लेसी था, कि भैया ये जो अमाउंट है आप ये अमाउंट डिपॉजिट कराएं, पे करें, एक फर्दर टाइम पीरियड कोर्ट ने उसमें डाल दिया, अलाउ कर दिया, या कोर्ट ने थोड़ा टाइम पीरियड एक्सटेंड भी कर दिया, कोर्ट में अलाउ फर्दर पीरियड, ठीक है, कि ये जो पैसा था आप ये इसको दे दीजिए, परचेज मनी ए को दे दीजिए, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात हुई थी उतना पैसा आप इसको जमा कर दीजिए, या कोई अदर सम जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता था वो सारा का सारा कोर्ट ने डिक्री के अंदर ऑर्डर कर दिया था। ठीक है, अब क्या आएगा, जो हमारे वेंडर और लेसर है, वेंडर और लेसर कौन था इसमें, ए है, ए बेचने वाला है ना, इसको हम वेंडर भी कहते थे, ये देखिए मैंने समझाया था, वेंडर और लेसर ए है आपका, मे अप्लाई, वेंडर और लेसर को कोर्ट के अंदर अप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, मे अप्लाई इन द सेम सूट, उसी सूट के अंदर जिस सूट के अंदर डिक्री आई है ना, उसी सूट के अंदर आपको अप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। देखिए इसमें लिखा हो, इन विच द डिक्री, जिस सूट के अंदर डिक्री आई है उसी सूट के अंदर आप अप्लीकेशन लगाएंगे, कि भैया टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड, अप्लीकेशन जिस चीज़ की होगी, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवाने की, ख़त्म करवाने की, टर्मिनेट करवाने की, वॉइड एब इनिशियो कराने की, एंड ऑन सच अप्लीकेशन दी कोर्ट में, और जब वेंडर ने ए ने अप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट क्या करेगा, बाय ऑर्डर, ऑर्डर पास कर देगा किस चीज़ का, रिसाइंड दी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करवाने का उस पार्टी के अगेंस्ट जिस पार्टी ने डिफॉल्ट की है, और डिफॉल्ट किस पार्टी ने किया था, यहाँ पे बी ने, बी ने पैसे जमा नहीं कराए थे। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझसे, कोई इशू नहीं है। सबसेक्शन 2 देखिए, वेर ए कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंडेड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट, देखिए इसके अंदर हमने रिजाइंड करवा लिया एप्लीकेशन लगा के, अब क्या कह रहा है, अगर जो सबसेक्शन 1 में आपने कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड करवाया है, द कोर्ट, शेल वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्क्रिशन पावर नहीं, मैंडेटरी वर्ड है, शेल प्रिजम्पशन जो हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, द कोर्ट शेल डायरेक्ट द परचेजर और द लेसी, परचेजर और लेसी हमारे एग्जाम्पल में कौन था, बी था ना, परचेजर और लेसी बी को डायरेक्ट कर देगी, इफ़ ही कौन आपका, परचेजर और लेसी हैज़ ऑप्टेंड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बी ने पोजेशन ले लिया था अगर इस प्रॉपर्टी का, इफ वर्ड यूज हुआ, इफ अगर ले लिया था तो, इफ ही हैज़ ऑप्टेंड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्टोर सच पोजेशन टू द वेंडर और लेसर, कोर्ट फर्दर क्या डायरेक्ट करेगी बी को, कि भैया अगर आपने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया था ना, तो आप इसको दोबारा रिस्टोर कर दीजिए ए के पास, क्योंकि आपके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट तो रिजाइंड हो गया है। ठीक है, बी वाला देखिए दोबारा यहां से, द कोर्ट मे डायरेक्ट पेमेंट टू द वेंडर और लेसर ऑफ ऑल द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स विच हैव एक्रूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर फ्रॉम द डेट ऑन विच द पोजीशन वाज सो ऑब्टेन्ड बाय द परचेजर और लेसी अंटिल रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन हम ए में करवा रहे हैं, टू द वेंडर और लेसी एंड इफ द जस्टिस ऑफ द केस सो रिक्वायर द रिफंड ऑफ एनी सम पेड बाय द वेंडी, वेंडी कौन है हमारा, यहाँ पे बी है वेंडी, ठीक है, और लेसी एज अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बी वाले को समझते हैं, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट फर्दर डायरेक्ट कर देगी कि भैया बी को डायरेक्ट करेगी
कि जितना भी आपने बी के पास पोजीशन था सपोज प्रॉपर्टी का, जितना भी इस प्रॉपर्टी से पोजीशन आया, जो भी प्रॉफिट आया वो आप वापस कर दीजिए ए को, ये कह रहे ना, मे डायरेक्ट पेमेंट टू दी, पेमेंट देनी पड़ेगी वेंडर को और लेसर को, सारे के सारे रेंट्स की, सारे के सारे प्रॉफिट्स की, उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जिसका पोजीशन बी के पास था, ठीक है। तब तक जितना भी प्रॉफिट हुआ, कब तक? रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, जब तक आप प्रॉपर्टी को वापस रिस्टोर नहीं कर रहे ए को, तब तक जितना भी प्रॉफिट रेंट आया वो सारा का सारा आप वापस पे कर दीजिए वेंडर को और लेसर को, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी थी और कॉन्ट्रैक्ट आपका रिजाइंड करवाया जा चुका है, ठीक है। फर्दर कोर्ट एंड इफ वर्ड यूज हुआ है, अगर चाहे तो, इफ द जस्टिस ऑफ द केस सो रिक्वायर, अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि ये अनजस्ट हो रहा है वेंडी और लेजी के साथ, तो कोर्ट रिफंड करवा देगी वो वाला सम या जो भी अर्नेस्ट मनी थी जो बी ने ए को डिपॉजिट करवाई थी। जैसे 5 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए जो बयाना नहीं होता हम पहले दे लेते हैं, एडवांस दे दिया था, तो कोर्ट ए को भी कह देगी कि भैया आपने जो 2 लाख रुपए इसके बी के लिए थे एडवांस, वो वापस कर दीजिए, ठीक है। ये आपका बी वाला, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन थ्री देखिए क्या कहते हैं। इफ़ द परचेजर और लेसी पेज द परचेज मनी, अब सबसेक्शन थ्री के अंदर एक और बड़ी अच्छी बात आ गई है। परचेज और लेसी हमारा बी था, अभी कह रहा है बी ने पे कर दिया है परचेज मनी जो पैसा था, और अदर सम विच ही इज ऑर्डर टू पे, ही परचेजर और लेसी ऑर्डर टू पे अंडर द डिक्री विद इन द पीरियड रेफर टू इन सबसेक्शन वन। देखिए कोर्ट ने डिक्री पास की थी और कोर्ट ने एक टाइम पीरियड दे दिया था परचेजर को कि इतना पैसा आप जमा कर दीजिए, परचेजर ने जमा कर दिया है। द कोर्ट मे ऑन अप्लीकेशन मेड इन द सेम सूट, अब यहाँ पे अप्लीकेशन लगानी पड़ेगी परचेजर को और लेसी को उसी सूट के अंदर, सेम सूट की बात हो रही है, अवॉर्ड द परचेजर और लेसी सच फर्दर रिलीफ एज ही मे बी एंटाइटल्ड। अप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट उनको एक फर्दर रिलीफ दे देगी, ही मे बी एंटाइटल्ड, ही कौन है, परचेजर या लेसी एंटाइटल्ड हैं उस रिलीफ के लिए, इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ, नेमली कुछ केसेस के अंदर, ये जो नीचे 3 रिलीफ 2 रिलीफ दिए हुए हैं इनमें से कोई भी रिलीफ दे सकती है। देखिए पहला गया, नेमली The execution of a proper conveyance or lease by the vendor or lessee। कोर्ट क्या करेगी अगर परचेजर और लेसी ने पैसे जमा करा दिए, तो कोर्ट एक इसको रिलीफ दे दी, क्या रिलीफ, वेंडर को कह देगी कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है ना इसको ट्रांसफ़र करो, इसकी एग्जीक्यूशन कराओ बी के फेवर में, ठीक है, या इसकी लीज करो बी के फेवर में। ये बात है ना, प्रॉपर कन्वेंस मतलब प्रॉपर ट्रांसफ़र, कन्वे का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। सेकेंड बी वाला, द डिलीवरी ऑफ पोजिशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वीनियंस और लीज, ठीक है आपने ट्रांसफर तो कर दी प्रॉपर्टी, अब इसका पोजिशन भी दे, सेल डीड तो आपने बना दी है, ठीक है, अब इसका पोजिशन भी डिलीवर कर दीजिए, या अगर वो पार्टीशन करवाना चाहते हैं पार्टीशन करवा दीजिए, सेपरेट पोजिशन दिला दीजिए, ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वीनियंस और लीज जिसकी सेल डीड आपने बना दी है, ठीक है। सबसेक्शन फोर देखिए, नो सेपरेट सूट, सबसेक्शन फोर बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, एग्जाम में आ सकते हैं, नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ वर्ड यूज हुआ है, विच मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन शैल लाई एट द इंस्टांस ऑफ वेंडर परचेजर लेसर लेसी एज द केस में भी। सबसेक्शन फोर क्या कहता है, कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा, सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा उन रिलीफ के लिए जो सेक्शन 28 वेंडर को दे रहा है, परचेजर को दे रहा है, लेसर को दे रहा है, लेसी को दे रहा है, उसके लिए आप सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट नहीं करोगे। क्या काम करना है आपको, उसी सेम सूट के अंदर आपको अप्लीकेशन लगानी है, ठीक है, क्लियर है सबसेक्शन फोर। सबसेक्शन फाइव देखिए, द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, जितना भी खर्चा आएगा इस सेक्शन की प्रोसीडिंग्स के अंदर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कौन पे करेगा उसको, कौन पे नहीं करेगा, ठीक है गाइज। अब देखिए सेक्शन 28 के ऊपर हम कुछ केस लॉज भी डिस्कस कर लेते हैं, आज किसी ने कहा था कि सर आप केस लॉ भी बता दीजिए ग्रह, तो मैं आज आपको केस लॉ भी बता देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। देखिए पहला केस हमारा क्या है, नाम लिख लीजिए केस का, अब्दुल शेखर साहिब वर्सेज अब्दुल रहमान साहिब। इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो भी डिक्री होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की उसका नेचर क्या होगा, वो प्रीलिमिनरी डिक्री होगी, आपकी फाइनल डिक्री नहीं होगी, प्रीलिमिनरी डिक्री होगी, और जो ओरिजिनल कोर्ट है उसका कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल ओवर द एक्शन एंड हैड फुल पावर टू मेक एनी जस्ट एंड नेसेसरी ऑर्डर्स देयर इन इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस द एक्सटेंशन ऑफ टाइम।
इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री है, पहली बात वो प्रिलिमिनरी डिक्री है, और कोर्ट का कंट्रोल रहेगा उस ऑर्डर के ऊपर, उस डिक्री के ऊपर, कि वो टाइम पीरियड को भी एक्सटेंड कर सकती है अप्रोप्रिएट केसेस के अंदर। ठीक है गाइस, सेकंड केस आपका है इसके अंदर, देखिए लिखिए, एम शकुंतला देवी वर्सेस वी शकुंतला, एम शकुंतला देवी वर्सेस वी शकुंतला, AIR 1978 आंध्र प्रदेश 337। ठीक है, इसके अंदर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जो सेक्शन 28 है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो रिकॉग्नाइज करता है पावर ऑफ कोर्ट टू एक्सटेंड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ परचेज मनी, इट डज नॉट एक्सप्रेसली कन्फर एनी पावर ऑन द कोर्ट टू एक्सटेंड टाइम। सेक्शन 28 सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है कि कोर्ट के पास पावर है, वो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, बट ये पावर देता नहीं है, ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है गाइज, ये आपका सेकेंड केस था। एक और केस लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, रमन कुट्टी गुप्तन वर्सेस अरोरा, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट 1699। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या आया था, देखिए लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द क्वेश्चन वेदर द रिसेशन शुड बी इन द ओरिजिनल साइड और एग्जीक्यूशन साइड। तो सेक्शन 28 इंडिकेट्स दैट इट शुड बी इन द सेम सूट, जो आप रिसाइंड करवाना चाहोगे वो आप सेम सूट में ही करोगे। इट वुड ऑब्वियसली मीन इन द सूट इट सेल्फ एंड नॉट इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, आप सूट के अंदर ही करवाओगे उसको रिसाइन, ना कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अंदर। ठीक है गाइज, एंड इट इज इक्वली सेटल्ड लॉ डेट आफ्टर पासिंग द डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कोर्ट डज नॉट सीज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास कर दी कोर्ट ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट की अब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उसके ऊपर। The court retains control over the decree even after the decree has been passed. Decree pass करने के बाद भी court का control रहता है उस decree के ऊपर, and it is open to the court to exercise jurisdiction under section 28 subsection 1 for extension of time or residing the contract as claimed for. तो ये court के पास power है, वो अपनी exercise कर सकती है jurisdiction जो section 28 ने दिए, टाइम को एक्सटेंड करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड करवाने के लिए। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन 28। इजी है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको मेंस में भी लिखना पड़ सकता है, राजस्थान जुडिशरी में आ सकता है क्वेश्चन इससे। तो अगर कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको यार लाइक करना प्लीज़। ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए इसके अंदर, ताकि मेरा मन करे मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मैं भी इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा ना, फिर मोटिवेशन चाहिए होती है हर इंसान को, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आप लोग मोटिवेट करेंगे तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।